गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान आज, 13 को आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शनिवार 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे। विजिलेंस ने 25,000 की रिश्वत लेते पकड़े सोशल मीडिया के 2 पत्रकार। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला की टीम ने पिछले कल धर्मशाला में 2 सोशल मीडिया पत्रकारों को 2 स्कूलों के चेयरमैन से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला में दोनों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने धर्मशाला के 2 सोशल मीडिया पत्रकार होने का दावा किया था और स्कूल चेयरमैन को उसके बारे झूठी और अपमानजनक खबरें प्रकाशित करने की धमकी दी थी। वहीं फर्जी खबर न फैलाने के लिए प्रत्येक स्कूल से 50,000 रुपये देने की मांग की। इसकी शिकायतकर्ता ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला को दी। नालागढ़ में 60,000 रुपए के साथ पकड़ा BDC सदस्य गाड़ी भी सीज। नालागढ़ उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने एक BDC सदस्य 60,000 रुपए के साथ पकड़ा है। पुलिस ने पैसा सीज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार उन्हें काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि BDC सदस्य एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के एवज में लोगों को पैसा बांट रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस ने पिछले कल साया अंदरोला पुल के समीप उसे ट्रैप किया और उसकी गाड़ी से 60,000 रुपये मौके से बरामद किया। जब उससे इस पैसे के बारे में जानकारी मांगी तो वो कोई भी जानकारी देने में असमर्थ रहा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। HPMC में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी केस दर्ज। राजधानी शिमला के छोटा शिमला थाना के तहत HPMC में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने युवक से पैसे ऐंठने के लिए बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं शिमला के महली निवासी आशीष कोंडल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी कुछ समय पहले सूरज नाम के शख्स से जान पहचान हुई। आरोपी ने उसे निगम विहार स्थित सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित HPMC में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। मिल्क फीड का घी 50 रुपये हुआ महंगा, 3 श्रेणियों में बढ़ाए गए दाम। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन ने देसी घी, मक्खन समेत अन्य उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अब उपभोक्ताओं को हिम घी प्रति लीटर 50 रुपये और हिम मक्खन प्रति किलो 30 रुपये महंगा मिलेगा। इस तरह अब घी 700 और मक्खन 580 रुपये प्रति किलो मिलेगा। दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद प्रबंधन ने अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। बढ़ी हुई दरें प्रदेश भर में लागू कर दी गई हैं। मिल्क फेडरेशन की ओर से कुल 5 उत्पादों के दाम बढ़ाए गए हैं। हिम पनीर अब 370 के बजाय 390 रुपये में मिलेगा। खुला पनीर प्रति किलो 340 के बजाय 360 रुपये में मिलेगा। पनीर में 20 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। खुला दूध प्रति लीटर में 2 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब दाम 49 रुपये तय किए गए हैं। खिलाड़ियों को राहत, अब 120 नहीं इतनी होगी डाइट मनी। खंड व जिला स्तर पर खिलाड़ियों का डाइट मनी 120 से बढ़ाकर 400 व राज्य स्तर पर भी यह डाइट मनी 400 कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 500 प्रति खिलाड़ी डाइट मनी दी जाएगी। यह फैसले हिमाचल स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में लिए गए।
मातृ सदन ज्वालामुखी में शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। हिमाचल ने केंद्र सरकार से की शिक्षा क्षेत्र में इस ग्रांट को बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र में नॉन रेकरिंग ग्रांट बढ़ाने की मांग की है। पिछले कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते प्रदेश में निर्माण कार्य महंगा होने का हवाला देते हुए इस ग्रांट को बढ़ाने का पक्ष रखा। नॉन रेकरिंग ग्रांट एक बार का या नियमित व्यय है और भविष्य में इसका भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शिक्षा सचिव ने कहा कि ICT लैब हो या फिर भवन का निर्माण, इसमें काफ़ी खर्च का काम होता है, इसलिए जो बजट दिया जाता है वो कम पड़ जाता है, ऐसे में इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन कक्षाओं के बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए नए आदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन दर में लगातार गिरावट को देखते हुए प्री प्राइमरी कक्षा में छात्रों के नामांकन और देखभाल के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत अब अंशकालिक मल्टीटास्क वर्कर, दैनिक वेतन पर अंशकालिक जलवाहक, चपड़ासी और मिड डे मील कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी स्कूलों में अब स्पेशल एजुकेटर। 12 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए राज्य सचिवालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित 3 मामले जा रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरने का मामला पहली बार भेजा जा रहा है, जबकि एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत रखे गए शिक्षकों को रेगुलर करने का मामला भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। DP को फिजिकल एजुकेशनल लेक्चरर का दर्जा दिए जाने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव का मामला भी कैबिनेट में रखा जा रहा है। राजस्व विभाग में पटवारी को अब स्टेट कैडर में डाला जा सकता है। JBT और TGT की बैच वाइज भर्तियों और पुलिस भर्ती के रोल्स को लेकर भी चर्चा संभव है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट को 903 और 939 का रिजल्ट घोषित करने का मामला भी कैबिनेट के सामने रखा जा रहा है। इसे कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर कर दिया था, लेकिन मिनट्स साइन न होने के कारण पिछली कैबिनेट से यह छूट गया था। पेंशन न मिलने पर बिफरे पूर्व सैनिक दिया अल्टीमेटम। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने पेंशन का स्थायी समाधान करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में पिछले कल मंडी में HRTC के क्षेत्रीय व मंडलीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी कल्याण मंच ने HRTC प्रबंधन को मांगों के बारे में कोई ठोस निर्णय लेने के लिए 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि उस वक्त तक कोई निर्णय नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। 15 जुलाई तक हर स्तर पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा। मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी व प्रदेश महामंत्री रूपचंद शर्मा ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के सुनहरी 30 से 35 साल HRTC में सेवा की, मगर जीवन के अंतिम पड़ाव में पेंशनर अब अपने वित्तीय लाभों व नियमित पेंशन के लिए तरस रहे हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।